भाई साहब ईवी इंडस्ट्री में तबाही हो रही है और हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पे नीरज राजपूत जी ने सवाल पूछा है, भाई मुझे टीवीएस आईक्यू बेस्ट वेरिएंट बजाज चेतक हीरो वीडा वी1 प्लस इन तीनों में से कौन सा लूं। भाई आपने पूछा, हम बता तो देंगे, उसमें कुछ एडिशन भी देंगे। हमने भी कंपेयर किया इसके साथ ओला एसंट्रो जेन 2, क्योंकि अभी ये सिर्फ 1.3 लाख एक्स शोरूम प्राइस में मिल रहा है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मार्च महीने में, भाई तगड़ा कंपेरिजन होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन भी दबा दो। ईवी में सबसे बेस्ट जानकारी आपको हमेशा इस चैनल पे मिल जाएगी। और भाई कंपैरिजन पूरा देखोगे, एंड तक देखोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है। ऑफ कोर्स टेस्ट राइड लेके आपको खुद डिसाइड करना है, मैं तो सिर्फ मेरा नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और यहां पे हमारे सामने तगड़ा कंपैरिजन आ चुका है। भाई ऑफ कोर्स प्राइस के साथ शुरुआत करेंगे। यहां पे देखो मैंने ओला क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि भाई अभी प्राइस पॉइंट कम है। वैसे देखा जाए इस गाड़ी का जो प्राइस है इट इज 1,48,000, बट अभी 1,30,000 एक शोरूम प्राइस में आपको ये मिल रहा है। आप देखो उसके नीचे इमीडिएटली 1,29,000 में टीवीएस का बेस्ट वेरिएंट है आई क्यूब का, और उसके बाद में भाई दिख रहा है बजाज चेतक, और सबसे कम प्राइस में अभी चल रहा है, रीलॉन्च कर दिया है हीरो मोटोकॉर्प ने उनका हीरो विडा V1 प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर। भाई आप देखो यहां से यहां हम जैसे जा रहे हैं प्राइस बढ़ रही है, और यही हमारे वीडियो की खासियत है कि पूरी जानकारी आपको यहां पे मिल जाती है। वेबसाइट पे भी लेके जाऊंगा, बुकिंग कैसे करना है वो भी बता दूंगा। और भाई इन चारों में एक में वह ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे सामने है हीरो वीडा V1 प्लस, जिसमें आपको डिटैचेबल बैटरी पैक मिल रही है, इसमें रिमूवेबल बैटरी पैक आपको मिल रहा है। भाई बहुत तोगड़ा काम किया है ये हीरो मोटोकॉर्प ने। तो चलिए वीडियो को कंपैरिजन में शुरुआत करते हैं। ऑफ कोर्स मैं बात करूंगा पहले तो ड्यूरेबिलिटी की, लाइफ की, स्ट्रेंथ की। तो भाई बजाज को यहाँ पे 100 मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि बजाज इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है इसका पूरा मेटल बॉडी है। अगला सिर्फ ये जो बड़गार्ड है दैट इज नॉट मेड अप ऑफ मेटल, बिकॉज उसको शॉक भी एब्जॉर्ब करना है। कहाँ पे ठोक दो आप तो उसका शॉक भी एब्जॉर्ब होना चाहिए, इसलिए वहां पे सिर्फ आपको फाइबर दिखेगा, बाकी पूरा गाड़ी मेटल में बनाया है। उसके बाद में थोड़ा मजबूत मुझे हीरो मोटोकॉर्प का हीरो विडा V1 प्लस लगता है, और फिर टीवीएस, और सबसे कम मुझे बिल्ड क्वालिटी में इन चारों में ये ओला एसंट्रो जेन 2 लगता है। ऑफ कोर्स ओला S1 जो जेन 1 थी उनकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सुपीरियर थी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में डालो कि ओला एसंट्रो जेन 1 की बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी या जेन 2 की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। आप में से कितने लोग ओला इलेक्ट्रिक यूज करते हो और कितने लोगों को क्या क्या रेंज मिलते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालना। वैसे बोला जाए तो यहां पे रेंज में तो सबका बाप दिख रहा है, ओला एसंट्रो जेन 2 180 किलोमीटर का सर्टिफाइड नहीं तो ट्रू रेंज है, सर्टिफाइड रेंज 195 किलोमीटर का, भाई बहुत तगड़ा है। बट आई एश्योर यू की 150 किलोमीटर का तो रेंज मिलना ही चाहिए अगर इनका क्लेम्ड रेंज ट्रू रेंज 180 का है। उसके बाद में आप तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर देखो, तीनों का रेंज सेम है 100 100 100, और ये एक्चुअली में मिल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हीरो मोटोकॉर्प बजाज और टीवीएस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत पुराने ब्रांड्स है, इनकी सर्विस आपको शायद अच्छी मिलेगी एज कंपेयर टू ओला इलेक्ट्रिक। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ईवी मैन्युफैक्चरर, आई एम प्रमोटिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आई एम नॉट अगेंस्ट देम। सो लेट स्टार्ट द कंपैरिजन। मैंने लुक्स में, डिजाइन में, बिल्ड में बोल दिया, आप जाके एक बार उसको देख लेना। पर आप स्पेक्स में देखो तो बैटरी में ओला सबसे ज्यादा है, मोटर में भी ओला का सबसे बड़ा मोटर है, रेंज में भी ओला सबसे ज्यादा देता है, टॉप स्पीड भी ओला सबसे ज्यादा देता है, ग्रेडेबिलिटी में ऑफ कोर्स हीरो मोटोकॉर्प एंड बजाज चेतक प्रोवाइड वेरी गुड ग्रेडेबिलिटी, मतलब कितना ढलान ये गाड़ी चढ़ सकती है, कितना स्लोप एलिवेशन ये गाड़ी चढ़ सकती है, दैट इज द ग्रेडेबिलिटी। तो यहां पे बिल्ड आपको या मोटर की जो पावर है वो हीरो विडा और बजाज चेतक की ज्यादा अच्छी मिलेगी। पावर मींस उसका जो टॉर्क मिलेगा जिससे गाड़ी चढ़ पाएगी, जिससे वो ग्रेडेबल जो रूट्स है वो चढ़ पाएगी, क्लाइंबिंग हो सिटी में आपके फ्लाइओवर्स हो, ज्यादा अच्छी तरीके से बजाज चेतक और हीरो मोटोकॉर्प चढ़ पाएगी। बात करें भाई चार्जिंग टाइम की तो सबसे बड़ा चार्जिंग टाइम आपको यहां पे मिल जाएगा, क्योंकि भाई सबसे बड़ी बैटरी है तो ज्यादा टाइम लेगा ही चार्जिंग को। इन चारों इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगभग आपको 750 वाट के चार्जर्स मिल जाते हैं। ऑफकोर्स ओला एंड हीरो मोटोकॉर्प आर हैविंग देयर फास्ट चार्जिंग मैकेनिज्म्स आल्सो, तो उनके चार्जर्स पे जाके भी आप आपकी गाड़ी चार्ज कर सकते हो। बूट स्पेस में भी आपको दिखेगा ओला S1 प्रो भाई 34 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड करता है, कोई भी ईवी मार्केट में अभी ये नहीं कर रहा है। ऑफकोर्स रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर था, अभी तक तो लॉन्च हो गया, डिलीवरीज भी हुई है, बट महाराष्ट्र में अभी तक मुझे नहीं दिखी। हीरो जो इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर था, इंडी
रिवर इंडी, उनकी तगड़ी बूट स्पेस है भाई, 50 लीटर से भी ज्यादा बूट स्पेस उनमें मिल जाता है। अभी क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूं कौन से पॉइंट में कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतरीन करता है। तो यहां पे डिटैचेबल बैटरी पैक अगर आपको चाहिए तो दो बैटरी पैक इसमें मिल जाते हैं, दोनों की मिलकर कैपेसिटी 3.44 किलोवाट आवर की मिल जाती है। और यहां पे बाकी तीनों में फिक्स बैटरी पैक मिल जाते हैं, चारों में आपको एनएमसी केमिस्ट्री या एनसीए केमिस्ट्री, ओला बोलता है वो एनसीए यूज करते हैं भाई, फिर भी 2000 साइकिल्स क्लेम कर रहे हैं। आई डोंट नो एनसीए को कैसे 2000 साइकिल लगते हैं, बट मिलते हैं। मोटर सबसे बेहतरीन ओला की यहां पे दिखती है, और 11 किलोवाट जो पीक पावर है ना, जो पावर होती है, इट इज टॉक इनटू एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो 2πn/60 होती है। तो जितनी मोटर रेटिंग ज्यादा है, जितनी पावर ज्यादा है, उतना टॉक एंड ऑफ कोर्स स्पीड आपको ज्यादा मिलेगा, वो यहां पे सीधा रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहां पे TVS iQube ऐसा एक में वो इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें BLDC हब मोटर मिल जाता है, बाकी तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको आइदर PMSM या IPMM टेक्नोलॉजी का मोटर मिल जाता है। बैटरी की अगर बात करें तो चारों जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इनकी बैटरी अच्छी मटेरियल से यूज की गई है, ऐसा इनकी कंपनीज का कहना है। 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको ओला में मिल जाता है, तो 4 यूनिट से कंज्यूम करेगा, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, तो यहां पे 4 यूनिट कंज्यूम, अगर 1 यूनिट की कॉस्ट में पकड़ू 7 रुपए, तो लगभग 28 से 30 रुपए में आपको ओला फुल चार्ज हो जाएगा और 180 किलोमीटर का रेंज देगा। रेंज जो होती है वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड होती है, जैसे गाड़ी कितने स्पीड से चला रहे हो, गाड़ी में आप कितना वेट डाले हो, रास्ते की कंडीशन कैसी है, आपका जो गाड़ी का पहिया है वो टायर प्रेशर कितना दिया है एज पर रिकमेंडेशन है क्या, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स पे रेंज डिपेंड होता है। तो अच्छे से फैक्टर्स आप मेंटेन करो, आपको अच्छा रेंज जरूर मिलेगा। टॉप स्पीड यहां पे 120 दे देती है ओला, बट आई रियली डोंट नो कि सिटी में एक्चुअली 120 किलोमीटर KMPH का टॉप स्पीड लगने वाला है कि नहीं। एंड बात करें भाई यहां पे बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की, तो 100 किलोमीटर ये जो नंबर है इन्होंने कांस्टेंट दिख रहा है तीनों में, 100 किलोमीटर इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ रेंज, एंड एक्चुअली ऑल थ्री ऑफ दीज इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोवाइड यू 100 किलोमीटर ऑफ रेंज। ओला का थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बोलते हैं 180 मिलता है, 120 भाई, आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दैट, बट आपको क्या मिलता है मैंने ऑलरेडी पूछा, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिखेगा चार्जिंग टाइम भी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया सबसे ज्यादा है भाई, बूट स्पेस में भी ओला यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है भाई। जे लोग नाशिक चाहे PVG_ नाशिक कर ला, जाऊन तुम्हें इंस्टाग्रामला फॉलो करून द्या, नाशिक चे तगड़े ब्लॉग्स में आता मराठीत घेऊन येतोय भाई, थोड़ा मराठी में बात किया क्योंकि मराठी ऑडियंस भी मुझे जुड़ना है। आप PVG टेक्निकल को भी इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। अभी तक वीडियो क्या, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी हम जाने वाले इन चारों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे भाई, TVS iQube का जो बेस्ट वेरिएंट है एंड TVS iQube S जो है, इनमें क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको सीधा अभी बताने वाला हूं। एंड भाई ऑफ कोर्स जो वीडियो एंड तक देखेगा उसको पूरी जानकारी मिलेगी, आधा अधूरा देखोगे छोड़ के चले जाओगे तो भाई कुछ काम में नहीं आएगा। पहले तो बजाज चेतक के बारे में बात कर देता हूं। यहां पे मैंने जो बजाज चेतक का इलेक्ट्रिक स्कूटर कंसिडर किया, मैंने अर्बन मॉडल कंसिडर किया है, जो नया मॉडल है बजाज चेतक का, प्रीमियम भी है, बट प्रीमियम की जो बैटरी कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है तो उसकी प्राइस भी थोड़ी ज्यादा है। भाई ने बेस वेरिएंट बोला था इसलिए मैंने बेस वेरिएंट कंसिडर किया। 113 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज बोला जाता है, 100 किलोमीटर का टू रेंज इसमें मिल जाएगा, 63 kmph का टॉप स्पीड मिलेगा। ऑफ कोर्स इसमें आपको ऑनबोर्ड चार्जर मिल जाता है, ऑफबोर्ड चार्जर 650 वाट का, स्टील बॉडी मिल जाती है, 4 घंटे 50 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है। ऑफ कोर्स इसमें आपको इको एंड स्पोर्ट्स मोड चाहिए तो टेक पैक लेना पड़ेगा, टेक पैक की कॉस्ट लगभग 8000 रुपए ज्यादा है, तो 8000 रुपए ज्यादा पे करके आपको ऐप कनेक्टिविटी फुल मिल जाएगी, रिवर्स मोड मिल जाएगा और हिल होल्ड भी मिल जाएगा। तो मैं तो बोलूंगा अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है बजाज का तो टेक पैक के साथ लेना, और अर्बन एक अच्छा है, प्रीमियम भी है जिसकी प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि प्रीमियम में भाई बैटरी थोड़ी बढ़िया हो जाती है, 3.2 किलोवाट आवर का बैटरी बैक आपको प्रीमियम मिल जाता है, रेंज थोड़ा आपको 10-12 किलोमीटर से बढ़ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स दोनों स्टील बॉडी है तो अर्बन प्रीमियम से ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, दोनों की लुक सेम है, दोनों का बिल्ड क्वालिटी सेम है, ड्यूरेबिलिटी सेम है, सिर्फ जो है बैटरी में डिफरेंस है, उसकी कॉस्ट आपके साथ लिया जाएगा। तो ये बजाज चेतक भाई बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है मैं कहूंगा, और अगले कुछ महीनों में ये टॉप सेलिंग में तीसरे नंबर पे तो आ चुका है ऑलरेडी, एथर को पीछे डाल दिया है, बट मुझे लगता है TVS और इसमें बहुत तगड़ा कंपैरिजन होगा। जाते हैं दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर पे, यहां पे डिटेल कंपैरिजन में ला चुका हूं, TVS iQube S एंड TVS iQube ST एंड TVS iQube ST जो है बोल रहे थे कि मार्च में डिस्प्ले में आ जाएगी, बट अभी तक तो सामने ही नहीं आई है। आई होप TVS इसके ऊपर बहुत जल्दी काम करेगा और डिलीवरीज भी चालू कर देगा। TVS iQube ST की बहुत सारी बुकिंग्स हो चुकी है भाई, तुम बोलोगे तो फास्ट क्यों बोल रहा है भाई, वीडियो लंबी हो जाती है, आप पूरी नहीं देखते तो रिटेंशन टाइम कम हो जाता है, तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम हो जाता है, तो फास्ट बोल के वीडियो मुझे जल्दी खत्म करनी है इसलिए मैं फास्ट बोल रहा हूं, बट नॉलेज आपको पूरा देना है। तो TVS iQube S और TVS iQube जो बेस्ट वेरिएंट है इसमें टॉप स्पीड सेम मिलता है, मोड्स दोनों में आपको रिवर्स एंड फॉरवर्ड मिल जाता है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ग्रेडेबिलिटी सेम है, रेंज सेम है, दोनों का आप देखो तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। तो डिफरेंस कहां पे है, इनका जो मेन डिफरेंस है भाई वो है इनके
किस चीज में, सॉफ्टवेयर में। तो आपको दिखेगा यहां पे आपको टीएफटी स्क्रीन दोनों में मिल जाता है, एंड ऑफ कोर्स इसमें 5-way जॉयस्टिक मिल जाता है जो टीवीएस आईक्यूब एस है। टीवीएस आईक्यूब बेस वेरिएंट में वो नहीं मिलता। डे नाइट मोड आपको ऑटोमेटिक मिलता है टीवीएस आईक्यूब में, टीवीएस आईक्यूब एस में उसमें मैनुअल दिया गया है। आपको जीपीएस जीएसएम कनेक्टिविटी दोनों में मिल जाती है ओवर द सर्वर, एंड ऑफ कोर्स अगर आप देखो क्या अवेलेबल नहीं है तो म्यूजिक कंट्रोल आपको टीवीएस आईक्यूब के बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, इनकॉग्निटो मोड नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं तो बोलता हूं टीवीएस आईक्यूब इज अ वेरी गुड इफ यू वांट टू गो फॉर अ बेस वेरिएंट। और अगर आप इसकी प्राइसिंग देखो, अभी मैं नासिक का हूं, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, आपको दिखेगा यहां पे जो बेस्ट वेरिएंट है टीवीएस आईक्यूब एस का, उसकी टीवीएस आईक्यूब का उसकी 129,000 एक शोरूम प्राइस है। अगर मैं यहां पे टीवीएस आईक्यूब एस करूंगा तो देखिएगा इट इज 1,34,000, तो लगभग 5-6 हजार का डिफरेंस है भाई। 5-6 हजार आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है तो खर्चे करने में तो टीवीएस आईक्यूब एस ही ले लेना। जाते हैं अभी भाई हीरो मोटो कॉर्प की विडा V1 प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर, एंड दिस इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रिक स्कूटर 97,800 एक्स शोरूम प्राइस में अभी यहाँ पे वेबसाइट पे दिखा रहे, एंड भाई वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड्स आई वुड से। थोड़ा एग्रेसिवली इन्होंने मार्केटिंग करना चाहिए, फाइनेंस करना है, जितना ओला एथर मार्केटिंग करना है, फाइनेंस कर रहा है, जितनी चीजें वो खास बेच रहा है, एड्स कर रहा है, उतना कौन सा भी ईवी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, क्योंकि भाई इनके पास ऑलरेडी पेट्रोल वाली बहुत तगड़ी तगड़ी व्हीकल्स है, इनको बेचनी है, इसके साथ में ईवी भी बेचनी है। तो ये V1 Pro है, अगर मैं यहां पे V1 Plus सिलेक्ट करूं, ऑफ कोर्स यहां पे V1 Pro ही दिख रहा है, बट लुक्स दोनों के लगभग सेम है। आप लाइट्स देखो, लाइट भी बहुत इसमें तगड़े लगते हैं, कलर्स आप देखो अलग अलग कलर्स में मिल जाता है, बहुत ही बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर है। एंड इफ यू वांट टू सी मोर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके देख सकते हो, 1,15,000 V1 Plus आपको मिल रहा है सिर्फ 1,15,000 में, ऐसा इनका कहना है। दो बैटरी पैक्स आ जाते हैं भाई, रेंज 100 किलोमीटर का मिल जाती है। अगर आपको डिटेल कंपैरिजन करना है तो यहाँ पे आप आके कर सकते हो डिटेल कंपैरिजन, अदरवाइज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है दोनों की जो प्राइसिंग है उसमें 20,000-1,000 का डिफरेंस है, आपको जो चाहिए वो ले सकते हो। लास्ट आज आते हैं भाई ओला इलेक्ट्रिक के, ओला एसवन प्रो जेन 2 के ऊपर 1,30,000 एक शोरूम प्राइस में आपको 5 कलर्स में आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाता है। ऑफ कोर्स जो फीचर्स ओला दे रहा है दूसरा भी कौन सा ईवी मैन्युफैक्चरर नहीं दे रहा है। इसमें टच स्क्रीन आपको मिल रहा है, इसमें म्यूजिक कंट्रोल है, नेविगेशन है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, जीपीएस है, मैप्स है, सारे फीचर्स है, प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक। बट भाई मुझे आप जनरली बोलो कि इसमें से कौन से फीचर्स आप रेगुलरली यूज करने वाले हो, आई एम रियली वेरी डाउटफुल अबाउट दिस, क्योंकि सारे फीचर्स तो हम रेगुलर यूज नहीं कर पाते। बट फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप इसका टेस्ट राइड लेके डिसाइड कर सकते हो। ओला एसवन प्रो जेन 2 में अभी आपको एक खासियत है कि 8 साल 80,000 किलोमीटर की वारंटी है, तो अभी ये बेस्ट मुझे डील लगता है कि 8 साल 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिले, मतलब चिंता खत्म, तो ये वन ऑफ द बेस्ट डील्स हो सकता है। बट आपको टेस्ट राइड लेके ये इसको डिसाइड करना पड़ेगा। तो गाइज ये था डिटेल वीडियो, भाई नीरज भाई ने बोला था बनाओ और हमने बना दिया। भाई हमारे जो सब्सक्राइबर है उनकी हम हमेशा सुनते हैं, तो आपके कुछ सवाल है तो आप नीचे कमेंट डालना, उसके ऊपर जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा। भाई मुझे टीवीएस आईक्यूब एस बेस वेरिएंट, बजाज चेतक, हीरो विडा V1 Pro, आपने 3 बोला था, हमने 4 कंपेयर कर दिए। प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो भाई, एंड ऑफ कोर्स हमेशा ऐसा प्यार बरसाते रहना। मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।